फिर लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। लेकिन देखिए, हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन बनी नहीं रहती, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। आज जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि क्या इफेक्ट आएगा अगर डिमांड में चेंज आता है और सप्लाई में चेंज आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो देखिए, इसमें चार कंडीशन बनती है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। मैं एक एक करके सबको समझाता हूँ, ठीक। सबसे पहले इंक्रीज इन डिमांड की बात करते हैं। यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट में है, रेट इक्विलिब्रियम ओ आर इक्विलिब्रियम रेट हो गया, ओ क्यू जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ओके। अभी क्या है कि डिमांड इंक्रीज कर जा रही है, सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन डिमांड इंक्रीज कर जा रही है। तो डिमांड इंक्रीज कर रही है तो हम डिमांड कर्व को उसके राइट शिफ्ट कर देते हैं। इंक्रीज का मतलब ये होता है कि डिमांड कर्व अपने राइट पर शिफ्ट हो गया, कर्व हो गया D1, ठीक। अब हम देखेंगे इसने सप्लाई को इंटरसेक्ट कहां किया है, सप्लाई को यहां पर इंटरसेक्ट किया, नया इक्विलिब्रियम आ गया E1। ये पहला वाला E था और ये दूसरा E1 हो जाएगा, ठीक। यहां से हम रेट लाइन पर आएंगे, रेट पर और क्वांटिटी पर जाएंगे, हम देखेंगे कि रेट जो है वो इंक्रीज हो गया है और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई है। रेट बढ़कर OR1 हो गया और OQ से बढ़कर OQ1 हो गया है, ठीक है। और ये कर्व शिफ्ट हो गया है राइट पर, ठीक। नेक्स्ट, डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड जब डिक्रीज कर रही है, सप्लाई के साथ कुछ नहीं बोल रहा है, डिमांड डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज इन डिमांड करेंगे तो डिमांड कर्व को उसके लेफ्ट पर शिफ्ट करेंगे, ओके। यहां मैंने डिमांड कर्व को उसके लेफ्ट पर शिफ्ट किया है, यानी डिमांड कर्व अपने लेफ्ट आ गया, ठीक। लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गया। इसने सप्लाई कर्व को यहां पर इंटरसेक्ट किया है, पहला ओरिजिनल इक्विलिब्रियम यहां है, नेक्स्ट वन के E1 इधर है, ठीक। इधर से हम रेट पर जाएंगे, रेट R1 और Q क्वांटिटी Q1, ठीक। यहां घटा और ये घटा, तो हम देखेंगे कि रेट जो है ओ आर से घटकर ओ आर वन हो गया, क्वांटिटी ओ क्यू से घटकर ओ क्यू वन हो गया, ओके। फिर आते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई इंक्रीज कर रही है, तो सप्लाई इंक्रीज कर रही, डिमांड के साथ कुछ नहीं बोल रहा, तो सप्लाई का इंक्रीज का मतलब राइट पर शिफ्ट हो गया, तो सप्लाई को उसके राइट पर शिफ्ट कर देंगे हम, ये S1, ठीक, ये शिफ्टिंग मोड है, क्लियर। तो यहां से ये आएगा नया इक्विलिब्रियम E1, यहां से रेट पर देखेंगे तो रेट कम हो जाएगा और क्वांटिटी देखेंगे Q1, क्वांटिटी बढ़ जाएगा, ठीक। इंक्रीज इन सप्लाई की वजह से राइट पर शिफ्ट हुआ है, इंक्रीज का मतलब राइट पर शिफ्ट हुआ है। डिक्रीज इन सप्लाई देखेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब लेफ्ट पर शिफ्ट होना है, तो सप्लाई को उसके लेफ्ट पर शिफ्ट करेंगे, यानी कि ऊपर यहां पर सप्लाई होगा, ये शिफ्ट किया हमने, ये S1 और ये S1 हो जाएगा, ठीक। यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये E1 और ये पहले वाला E, यहां से रेट पर आएगा, लेकिन रेट बढ़ गया है, ये राइट पर शिफ्ट होने की वजह से, सॉरी लेफ्ट पर शिफ्ट होने की वजह से, और क्वांटिटी जो होगी वो घट जाएगी, ठीक है। हम देखेंगे यहां पर कि रेट जो है ओ आर से बढ़कर ओ आर वन हो गया, या सीधी सी बात है, सप्लाई घटेगी, किसी भी चीज की सप्लाई घटेगी तो रेट तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, तो यहाँ डॉलर की सप्लाई घटी तो रेट बढ़ गया, ठीक। अब देखिए सप्लाई घटी है यहाँ पर, और यहाँ पर डॉलर की सप्लाई बढ़ी तो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए हमने डॉलर की सप्लाई को बढ़ाया है और यहाँ रेट इसके कम हो गया, तो ये चीज है इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड फॉर सप्लाई, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये चार इम्पैक्ट पड़ते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई, चार इंपैक्ट पड़ती है। डायग्राम के साथ इसी का एक्सप्लेनेशन आपको अपनी बुक से लिखना है, ठीक। समझने के लिए यही समझे कि जहां डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं वहां एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है, अगर ये इफेक्ट होता है तब क्या असर पड़ता है, तो ये चार कंडीशन आपके सामने मैंने रखे, ठीक। यहां से देखकर आप बाकी नोट्स अपनी बुक से लिखें।